सॉरी भूलना मत, भूलना मत। बहुत ज्यादा कटा हुआ मेरा हाथ। व्हाट्स अप माय यूट्यूब की फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो बातचीत पूरी है तुम्हारे भाई की। तो भाई जो मोस्ट डिमांडिंग वीडियो आ रही थी ना, एक इंसेन ब्रो है कोई जिसका नाम रोहन है, ठीक है, उसने कहा था कि भाई अपना काइट कलेक्शन दिखाओ। देखो अभी मैं पतंगे ज़्यादा लेकर नहीं आया हूँ, लेकिन हाँ मैं और मेरे दोस्त जो हैं वो कुछ पतंगे लेकर आए हैं। तो उसका जो कलेक्शन हमने रखा है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। थोड़ा मैनेज कर लेना लाइटिंग वगैरह का यार, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कलेक्शन दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन सी पतंगे हमारे पास है। वैसे थोड़ी बहुत तो आपको यहाँ से झलक दिखी गई होगी, लेकिन मैं आपके साथ डिटेल में कलेक्शन को शेयर करता हूँ कि मेरे पास कौन सा कलेक्शन पड़ा हुआ और कौन से मांझे मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आ जाओ। सर पहले एक चीज़ बताओ यार, तुम्हारे भाई ने ना बाल कटवाने हैं, ठीक है, बता देना कि कैसे लग रहे हैं भाई के बाल। देखो साइड से देखो। नेक्स्ट वीडियो में आपको जब लाइटिंग में आएंगे ना, प्रॉपर लाइटिंग में छत पर, तब आपको दिख जाएगा। तो कमेंट करके बताना कि तुम्हारे भाई के बाल कैसे लग रहे हैं। सो मेरे प्यारे भाई हो, तो देखो तुम्हारे भाई का जो काइट कलेक्शन है वो ये रहा, ठीक है। पीछे थोड़ी बहुत पतंगें आपको दिख रही जैसे यहाँ पर है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जो शुरू करूँगा वो छोटी पतंगों से शुरू करूँगा, ठीक है। और एक बात और बता दूँ, जब तक आपको वीडियो मिलेगी शायद जब तक राखी खत्म हो चुकी है, तो ये राखी तक का मेरा जो कलेक्शन है वो यही है। मेरे पास से ज़्यादा भी कलेक्शन में लाया नहीं, क्योंकि मैं मोस्टली जो पतंगें उड़ाऊँगा वो 15 अगस्त वाले दिन उड़ाऊँगा, ठीक है। और एक हमारे भाई है विजय अरोड़ा करके, तो मैं सोच रहा हूँ उसके पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। उन्होंने मुझे बोला भी है कि ब्लॉग शूट करते हैं साथ में, तो मैं देख रहा हूँ कि अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं उनके पास जाके ब्लॉग पक्का शूट करूँ। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं उनके साथ ब्लॉग शूट कर लूँगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी सबसे छोटी पतंगों से, जो कि मैं अपने भांजे लाया था, तो आ जाओ उससे शुरू करते हैं। तो शुरू करा है, देखो ये जो सबसे छोटी वाली पतंग है, देखो आप इसका साइज़ काफ़ी बड़ा नहीं है, इसे आराम से भांजी मेरा आराम से उड़ा लेंगे। तो मैं ये वाली पतंग लाया हूँ, ठीक है, और इसके बाद दूसरी पतंग दिखाता हूँ आपको जो थोड़ी इससे बड़े साइज़ की है। वो ये वाली पतंग है, देखो ये थोड़ी प्रिंटेड पतंग है। आप देखो इस पे थोड़े एक्ट्रेस के नाम वाम छपे हुए हैं, ये वाली दिखाओ, ठीक है। ये ऐसी मैं एक दो आपको पतंगे इसलिए दिखा रहा हूँ, देखो मैं ज़्यादा दिखाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस घेर लेता हूँ, इसलिए मैं आपको एक दो पतंगे दिखा रहा हूँ। ये वाली पतंग है, ठीक है, ये वाली मैंने आपको दिखाई थी। और उसके बाद ये सिल्वर में पतंग लाया हूँ मैं, पर ये बड़ी साइज़ है थोड़ी, ये अपन लोग भी उड़ा सकते हैं। पर इस ये इसलिए लाया हुआ जब बारिश वगैरह हो गई पतंग उड़ाते वक्त, तो मतलब तो इसलिए मैं इसको लाया हूँ कि बारिश वगैरह अगर हो गई तो मैं इसको उड़ा सकता हूँ आराम से, यानी बारिश में कोई रुकावट ना आए, ठीक है, बारिश की वजह से अपनी पतंगबाजी में कोई रुकावट ना आए, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो ये लम्बू लाया हूँ मैं, ये कुछ लम्बू है हमारे पास, देखो आपको दिख रहे होंगे लम्बू है, मेरी शक्ल नहीं, ये लम्बू लाया हूँ मैं कुछ, ठीक है। तो ये लम्बू भी काफ़ी बढ़िया है, क्वालिटी इसकी अच्छी है और सिल्वर में है, मेन बात है। पर पता है बच्चे क्या करते हैं, वो कभी कभी ना लंबी पतंगे देख के, ऐसे थोड़ी फैंसी पतंगे देख के ना लूटने की बहुत, मतलब उनकी इच्छा थी बहुत ज़्यादा जाग जाती है, ठीक है। अगली पतंग ये प्रिंटेड है, ये भी प्रिंटेड पतंग है, देखो आप देख लो काफ़ी अच्छी है, मतलब लुक इसका काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अगर ये पतंग बड़ी में होती ना तो अपन लोग इसे बहुत मज़ा आ जाता है इसको उड़ाने में, क्योंकि हीच वगैरह पर खूब सही चलती है, ठीक है। तभी हो गई। और एक जो है हमारे पास ये गुड्डा है बड़ा सा इसका, देखो ये भी नॉर्मल है, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, लेकिन हाँ अच्छा ये भी काफ़ी, ठीक है। सो आप शुरू करते हैं अपनी मेन पतंगों के बारे में, जो कि मैं पर्सनली उड़ाता हूँ और काफ़ी मुझे सही लगती है, ठीक है। मुझे अद्धी साइज सबसे बेस्ट लगती है, क्योंकि यार अद्धी ना ऐसी होती है कंफर्टेबल होती है और उसको घींच मारना काफ़ी आसान होता है, थोड़ी बड़ी हो जाती है। अभी देखो मैं क्या दिखाऊँ, बताऊँ तुम्हें, मेरा ना हाथ कटा हुआ है यार काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कटा हुआ है मेरा हाथ, पर कोई नहीं, मैं आपको अपने कलेक्शन दिखा दूँ। ये वाली पतंग है, ये आपको छोटी दिखेगी पर ये काफ़ी बड़ी पतंग है, ठीक है, ये अद्धी की साइज़ की है और काफ़ी बढ़िया पतंग है, पेपर क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। तो अब अपन आते हैं अपनी सेकंड पतंग पे, ये भी देखो अद्धी की साइज़ की है, ठीक है, और काफ़ी बढ़िया पतंग है। ये हम लेकर आए थे लाल कुएँ से, ठीक है, उसकी वीडियो मैंने बता रखी है आपको, वो वाली आप देख सकते हैं। लेकिन ये मैं उससे भी पहले लेकर आया था, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में ले आया था, तो ये जबकि रखी हुई पतंग, ये भी अद्धी की साइज़ की है, इसकी पेपर क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। और ये खींच मारने में ना यार थोड़ी ना ज़्यादा बड़ी पतंग हो ना तो थोड़ा टफ हो जाता है, अगर तेज़ हवा हो ना तो काफ़ी टफ हो जाता है उसको संभालने में भी। और दूसरी बात, अगर कम हवा हो तो सबसे बढ़िया पतंग चलती है अद्धी की, जो मुझे लगता है, सबके अपने अपने ओपिनियन है, ठीक है। अब दूसरी पतंग पर बात करते हैं, तो ये है तिरंगा, देख लो भाई ये भी अद्धी का साइज़ का है, काफ़ी बढ़िया है। ये हम कितने की लाए थे भाई, ये हमें 500 रुपये की पड़ी थी, मतलब 500 का सैकड़ा पड़ा था, ठीक है। तो इसकी भी हमारे पास, मैंने अभी दो ही निकाल रखी है, दूसरे कमरे में रखा हुआ है, मतलब हमें शूट करना था इसलिए हम दूसरे कमरे में आए हैं, बाकी हमारा दूसरे कमरे में रखा हुआ पतंग का स्टॉक। तो ये वाली देखो आप, ये भी काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। तो इंसेन ब्रो आपके लिए बना रहा हूँ मैं वीडियो, ध्यान रखना, कलेक्शन देखना था ना भाई आपके पास।
आपने मेरी मोस्टली वीडियोस में देखा होगा कि मैं ऐसी ही पतंगे उड़ाता हूँ। ये भी देखो अद्धी की साइज की है और काफ़ी बढ़िया है, बट इसका एक उड़ के साथ लगती है, इसका एक सीन क्या है भाई, ये पतंग ना मुझे इतनी खास इसलिए नहीं लगती क्योंकि ना नॉर्मली ये घूमने लग जाती है और घूमती है ना तो घीच वगैरह लगती है इस पर और थोड़ी ना ढील पर ही काम करती है। तो ये देखो अब आते हैं अपनी थोड़ी पिन्नी की पतंग पर, जो कि बड़ा साइज है काफ़ी, ये मुझे सही लगता है। आपने देखा होगा कि मैं एक पतंग लेकर आया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली, ठीक है, तो ये उसी साइज़ की पतंग है, बस इसका प्रिंट थोड़ा अलग है, ठीक है। तो ये वाली आपको दिखा दी, ये भी थोड़ी अद्धी की साइज से थोड़ी सी बड़ी लग रही है मुझे, काफ़ी अच्छी पतंग है। इसकी टेस्टिंग करेंगे किसी दिन पतंग उड़ा के, दिखाऊंगा मैं कैसे पतंग कैसे उड़ती है, और यह सब आपको ना राखी के बाद ही मिल पाएगा जहाँ तक मेरा मानना है, ठीक है। ये वाली पतंग भाई, जब मैंने बचपन में पतंग शुरू करी थी ना उड़ाना, तो मैंने काली पतंग से उड़ाई थी और जो मैंने ली थी वो उस समय 1.5 रुपए की पतंग थी और यही साइज था वो, ठीक है। क्या काली पतंग काली पसंद मतलब ठीक है यार भाई, खुद गोरे और पतंग काली, गोरे वोरे का तो सेम चलो अलग कोई बात नहीं, लेकिन पतंग काली पसंद है, ठीक है, पतंग काली पसंद है। वो गाना आपने सुना होगा ना, उड़ता पलक सड़क पता नहीं यार सही पर कटेगा, ठीक है। तो भाई ये वाली देखो, ये वाली पतंग, ये भी अद्धी के साइज का मैं दिखाता हूँ आपको, आगे से दिखाता हूँ। इस पर कोई प्रिंट नहीं है क्योंकि यार देखो वो थोड़ी ना महंगी हो जाती है प्रिंट वाली, जैसे जो बरेली या रामपुर से आते हैं ना वो थोड़ी महंगी हो जाती है, अपने वाले अपना सिस्टम भी इतना महंगा नहीं है। तो अपने पास जो कलेक्शन है मैं आपको प्रॉपर दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं फेक की बड़ी वाली पतंग ले आऊँ या छोटी वाली। बाकी आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, उसके अंदर जो मैं पतंग लेकर आया था वो मैं कुछ ही पतंग लेकर आया था और वो मैंने उड़ा दी, तो इसलिए मेरे पास अब पतंग वाली बची नहीं है, अपन के पास ये वाली पतंगें बची हुई हैं। इस ये पतंगें हम पक्का उड़ा के दिखाएंगे आपको, और जो लास्ट वाली जो बढ़िया पतंग है वो देखो पीछे जाए हमारी, जो मेरे पास सिर्फ एक फैंसी पतंग है वो ये वाली, तो इधर वाली है ये देखो, ये फैंसी पतंग है हमारे पास जो कि हम उड़ाएंगे रक्षाबंधन वाले दिन ही उड़ाएंगे, और इसकी वीडियो रक्षाबंधन की वीडियो आपको रक्षाबंधन के नेक्स्ट डे मिल जाएगी, आई प्रॉमिस। पूरी कोशिश करूँगा क्योंकि यार उस दिन बहुत थकावट हो जाती है। पहले पतंग के बारे में बताऊँ, ये देखो ये पतंग, ये शायद एरोप्लेन पतंग कहते हैं ना भाई, ये एरोप्लेन पतंग है और इसमें दो कलर है हमारे पास, देखो एक तो ये ब्लू वाला है, ठीक है, और एक ये डार्क वाला है, डार्क ब्राउन है शायद, ठीक है, और इसी में ना हमारे पास एक सिल्वर कलर भी है, और जो हम लाए थे 10 पतंग लाए थे ये वाली, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपने मांझों की, ठीक है। मांझे आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि जो मैं मांझा लेकर आया था वो ये वाला मांझा है, अनार के गए, ठीक है। ये अब लाए थे 400 की छेरी लाए थे ना, अभी लाए थे 400 की छेरी, अभी हमने इसे टेस्ट नहीं किया है, ठीक है, टेस्ट करेंगे हम बता देंगे कैसा है। वैसे मुझे इतना लग रहा है काफ़ी बढ़िया मांझा है क्योंकि इसकी धार ना पता चल रही है। कुछ लोग बोलेंगे यार सस्ता ले रहा है, इतना अच्छा थोड़ी होगा, देखो सस्ता महंगा तो होता ही है, चलो मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन कुछ उड़ाने पे और कुछ एनवायरनमेंट पे फ़र्क पड़ता है कि आप कैसे उड़ा रहे हो और कैसे पतंग को लड़ा रहे हो, ठीक है। एक ये मांझा हमारे पास और एक लास्ट वाला मैं आपको दिखा दूँ, कहाँ गया पतंग भी पीछे छुप गया भाई, ये सॉरी हमारी पतंग भी पीछे भाई, ये देखो ये वाला मांझा है, ये हमारे पास जाफरी का है, ठीक है, ये जाफरी का मांझा बरेली का ए जखीरा, इस पर फ़ोन नंबर वगैरह सब दिए हुए हैं, आप शायद आपको दिख जाए पता नहीं। तो ये वाला मांझा, ये मैं मोस्टली यही उड़ाता हूँ है ना, आपने एक आदमी में रेड कलर का भी देखा होगा, वो वाला हमारा ख़त्म हो चुका, तो यही हमारे पास अभी दो मांझे हैं, ठीक है। तो भाई बस यही हमारे पास पतंगों का कलेक्शन है, तो इनसे ब्रो जिनका नाम कभी वो मुझे नाम अपना विवेक बताते हैं, कभी अपना नाम रोहन बताते हैं, मैं खुद बहुत कंफ्यूज हूँ, तो उनका नाम क्या है, रोहन है विवेक है, आपके लिए वीडियो बनाई है, मतलब आपके लिए, मतलब सबके लिए वीडियो है, बट स्पेशली आपके लिए, आप कलेक्शन के लिए बहुत डिमांड कर रहे थे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरा कलेक्शन मैंने दिखा दिया, ज़्यादा पतंगे नहीं है, इतना ज़्यादा स्टॉक नहीं रखा मैंने, बस यही अपना स्टॉक। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और हाँ भूलना मत क्या नहीं भूलना कि भाई हमें 1K सब्सक्राइबर चाहिए टिल 10 अगस्त, और 10 अगस्त के दिन अगर हमारे 1K सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं उसी दिन सरप्राइज दूंगा, वरना नहीं। तो अपना तो ये टारगेट है कि अगर जिस दिन हमारे 1K सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे, लाइव बटन मिलेगा, सब बैठ के लाइव करूँगा मैं सबके साथ, और कुछ सरप्राइज़ है वो मैं उसी दिन रिवील करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपनी बातचीत पूरी है, टेक केयर एंड बाय बाय। सो व्हाट्सअप माई YouTube की फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो जैसा कि हमारा वीडियो ब्लॉग आ चुका है एक और नया, आप देख सकते हो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो चुकी है, रोक लो भाई रोक लो, आते हैं तुम्हें रोक लो।